तो कोर्ट दौड़ा रहे हैं, दूसरा शादी कर लिए, टीचर है, जॉब कर रहे हैं, तीन बच्चा भी पैदा किया, हम कैसे कोर्ट का चक्कर लगवा रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती वहाँ से, हमारे पास कागज है, कागज भी हम पेश करेंगे कि ये लोग सात महिला जबरदस्ती जा करके ले आई, उसके बाद जो है जब नहीं जाने की बात हुई तब हम दूसरी शादी किए। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के मुख्य द्वार पर उस वक्त हाई वोल्टेज का ड्रामा देखने को मिला जब एक पत्नी के द्वारा अपने पति के साथ नोकझोंक देखते ही देखते मारपीट होने लगी। लड़की के परिजनों ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लेहिया सराय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर अपने साथ युवक को लेकर थाना चली गई, जहां युवक से पूछताछ चल रही है। दरअसल लेहिया सराय थाना क्षेत्र के बेता चौक के रहने वाली शबनम खातून की शादी 2017 में समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर गांव निवासी अब्दुल कादिर से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई, लेकिन शादी के एक वर्ष बाद ही पति पत्नी में दहेज को लेकर के विवाद हुआ और अब्दुल कादिर की पत्नी ने महिला थाना में अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद शबनम खातून के पति अब्दुल कादिर ने अपने ही पहली पत्नी को छोड़कर चुपके से दूसरी शादी रचा ली और उसके साथ रहने लगा। उसी मामले को लेकर आज कादिर दरभंगा व्यवहार न्यायालय में आया था, लेकिन उसी क्रम में शबनम के परिजन की नजर कादिर पर पड़ी और जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक होते होते मारपीट में बदल गई, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची जो है पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने साथ लेहिया सराय थाना ले गई। वहीं शबनम खातून ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी पत्नी से इन्हें 3 संतान भी हुआ है। वही बताया कि इस मामले कोर्ट से वारंट भी निकला हुआ है। मेरे हस्बैंड हुए, अच्छा क्या नाम है, 6 साल से हमको कोर्ट दौड़ा रहे हैं, दूसरा शादी कर लिए, टीचर है, जॉब कर रहे हैं, 3 बच्चा भी पैदा किया, हम कैसे कोर्ट का चक्कर लगवा रहे हैं। वही अब्दुल कादिर ने बताया कि उसकी पत्नी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर फंसा रही है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसके परिवार को ही 7 महिला हमारे घर पर आकर शबनम को लेकर चले गई, हम पे केस कर दी, जिसके बाद हमने दूसरी शादी कर ली। वहीं उन्होंने कहा कि जब आज मैं कोर्ट बाहर निकल रहा था तो हमारे ससुराल के पक्ष के लोग हमें पकड़कर हमारे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किया, जिसके बाद लेहिया सराय थाना की पुलिस हम लोगों को थाना लाई है। मेरे पत्नी डोरी अटकी हुई थी, तो आज हमारा बेल था, उसमें हम आए हुए थे, जब कोर्ट से बाहर निकले हैं तो हमारा पहला ससुर मोहम्मद सबीर, ममेरा ससुर मोहम्मद मुर्तुजा, साला मोहम्मद शमशेर और हमारी सास समीना खातून और उनकी बड़ी बेटी, ये सब घेर करके हमको ये हाल किया, हमको हमने साथ मार कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ बात नहीं हुआ, सिर्फ हम बाहर निकले, बाहर निकल रहे थे हम अपने घर जाने के लिए। कहाँ घर आपका कहाँ? मेरा घर विभूतिपुर, समस्तीपुर जिला में विभूतिपुर थाना पड़ता। अच्छा, यहाँ कौन सा कोर्ट में केस चल रहा है? यहाँ SDGM और परिवार न्यायालय। जी जी, तो मेरा पिताजी के साथ भी मारपीट किया, हमारे पिताजी को देखा जाए कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनके पेट पर मोहम्मद सबीर साहब चढ़े हुए। लेकिन इन लोग का पहला है, इन लोग का पहले इनसे शादी की हुए थे, आखिर क्या ऐसा हुआ कि दूसरा शादी कर ये लोग जबरदस्ती वहाँ से, हमारे पास कागज है, कागज भी हम पेश करेंगे कि ये लोग 7 महिला जबरदस्ती जा करके ले आई, उसके बाद जो है जब नहीं जाने की बात हुई तब हम दूसरी शादी किए। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।